Hello everyone, welcome to our ABC classes. Now we are talking about some important questions of basic DC and networks. Reference to J.V. Gupta. First question is, for the circuit given in the figure, the power delivered by the 2 volt source. ठीक ना, 2 वोल्ट सोर्स के से हम लोग का पावर कितना डिलीवर हो रहा है ये फाइंड कर रहे हैं करना है. ठीक ना, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का यहाँ से जो वोल्टेज, ये जो रेसिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज जो होगा इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो भी 2 वोल्ट होगा. तो यहाँ करेंट अगर निकालना चाहें तो 2 बाई कितना हो जाएगा हम लोग का 1 × 2 एम्पियर. ठीक है, तो 2 एम्पियर आ गया. अब इस नोड पे जब KCL लगाएंगे हम लोग तो यहाँ से मिल जाएगा, मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है तो ठीक ना, तो मिल जाएगा I+1 = 2, यानी I = मिल जाएगा 2 − 1 = 1 एम्पियर. ठीक ना, यानी जो वोल्टेज सोर्स जो है वो करंट जो डिलीवर करेगा वो 1 एम्पियर करेगा. ठीक ना, तो पावर निकालना हो तो power = V×I होता है हम लोग का, तो पावर 2 है. ठीक ना, सॉरी, उसका जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जो है 2 है, करंट हम लोग उसके द्वारा जो डिलीवर हो रहा है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वाट. तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 10 वोल्ट बैटरी विथ एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए नॉन लीनियर लोड हुज VI कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय. ठीक ना, एक हम लोग का 10 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड है. ठीक ना, नॉन लीनियर जो है लोड है. ठीक ना, ये इसका फिगर नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है. ठीक ना, तो हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ से मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी हम लोग का है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 1 ओम है, यहाँ से नॉन लीनियर लोड कनेक्टेड है, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है. ठीक ना, मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग भी मान लेते हैं. ठीक ना, ये नॉन लीनियर लोड है. ठीक ना, अब इसमें क्या करते हैं, KVL अप्लाई कर दें तो मिलेगा −10 + 1 × I, यानी I ठीक है +V = 0, यानी यहाँ से I = जो प्राप्त होगा हम लोग का वो प्राप्त होगा 10 − V मिलेगा. I का वैल्यू कितना मिला, 10 − V. अब इसको पुट कर देते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक उसका दिया हुआ है हम लोग का. ठीक ना, क्या दिया हुआ है हम लोग का, दिया हुआ है 7I = दिया हुआ है हम लोग को V² + 2V, यही दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक उसका, दिया है 7I = V² + 2V यहाँ पे दिया हुआ है. अब I की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, तो 10 − V, तो I की जगह पे यहाँ पे 7 × 10 − V पुट कर देते हैं, अब V² + 2V. आई होप आप लोग को ये करने आता होगा सॉल्व, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म ला देते हैं. यहाँ हो जाएगा 70 − 7V = V² + 2V. ठीक ना, तो ये हो जाएगा V², ये इधर जाएगा तो 9V माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 70. तो ये मिल गया हम लोग का क्वाड्रेटिक. ठीक ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म मिला हम लोग का, इसका अब क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे. तो फैक्टर करने आप लोग को आता होगा, क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और उससे मिडिल टर्म को हम लोग को ब्रेक करते हैं. ठीक है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 7 आना चाहिए, तो 14 और 5 हो जाएगा. ठीक ना, तो इसका जो फैक्टर करेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग, चलिए, तो इसका जो फैक्टर करेंगे हम लोग तो प्राप्त होगा हम लोग को, देखिए V² है ना,
तो वी स्क्वायर प्लस 9V है, तो 9V को हम तोड़ेंगे कितना में, प्लस 14V माइनस 5V, ठीक है ना, माइनस 70 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा तो 9V हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से V कॉमन लेंगे तो V प्लस कितना हो जाएगा 14, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो V प्लस 14, ठीक ना। यानी V का जो वैल्यू आएगा, एक प्लस में 5 आएगा, माइनस में 40 आएगा, ठीक ना। आप लोग समझ रहे हैं क्या करेंगे हम लोग, हाँ क्वाड्रेटिक आता होगा आप लोगों को सॉल्व करने का, आई होप। तो यहाँ से V इक्वल टू 5 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 14 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से V का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, V का वैल्यू हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। तो I का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, निगेटिव वाला वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव वाला वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे हम लोग, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो होगा हम लोग का निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन इसका हम लोग प्लस माइनस लिए हैं, तो ये पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक ना। जो डायरेक्शन हम लोग माने हैं उसके अकॉर्डिंग जो आएगा वोल्टेज आएगा प्लस माना चाहिए, तो प्लस वाला लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो हम लोग प्राप्त हुआ था V इक्वल टू मिला था 10 माइनस I, यानी I इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस V, यानी 10 माइनस 5, यानी 5 एम्पियर, कितना आएगा हम लोग का 5 एम्पियर, यानी जो ऑप्शन होगा हम लोग का 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन जो दिखे रहा है हम लोग का B, ठीक ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या किए हम लोग, सिंपली उसका सर्किट में KVL अप्लाई किए, V का वैल्यू I के फॉर्म में निकालें, सॉरी I का वैल्यू V के फॉर्म में निकालें, और वहाँ से क्या किए हम लोग, V को I को रिप्लेस किए, वहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म बना, क्वाड्रेटिक फॉर्म से V का वैल्यू निकालें, निगेटिव वाला वैल्यू को रिप्लेस कर दिए, पॉजिटिव वाला वैल्यू को हम लोग क्या किए, लिए, और उससे करेंट का वैल्यू फाइंड किए, तो आ गया हम लोग का 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द सर्किट शो इन द फिगर द वैल्यू VS इज 0 व्हेन I इक्वल टू 4 एम्पियर। जब देखिए वैल्यू VS जब है हमारा 0 है, ये वाला वैल्यू 0 है, तो I का वैल्यू कितना हम लोग का है, I का वैल्यू 4 एम्पियर है, ठीक ना। लेकिन जब वहीं VS हमारा 16 हो रहा है, तो I का वैल्यू क्या होगा, VS हमारा क्या हो रहा है 16 हो रहा है, तो I का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहला वाला जो कंडीशन हम लोग का दिया हुआ है, इस वाले कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, IS का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चूँकि IS के बारे में नहीं कहा गया, ठीक ना। तो यहाँ से ये दो कंडीशन से हम लोग IS का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर ये वाला कंडीशन अप्लाई करके हम लोग I का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ 0, 0 का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। ये वोल्टेज 0 का मतलब हुआ कि ये वाला जो सर्किट होगा वो क्या होगा हमारा, वोल्टेज रेसिस्टेंस नहीं होगा, शॉर्ट होगा, ठीक ना। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग का 4 एम्पियर, यानी ये वाला हमारा कितना है 4 है, ये वाला कितना दिया हुआ I का वैल्यू हम लोग का 4 यहाँ पे दिया गया, ठीक ना। तो देखिए ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, यानी इस सर्किट से अगर 4 एम्पियर इस सोर्स के कारण ये करंट जा रहा है, ठीक ना, तो इधर 4 एम्पियर जा रहा होगा, तो इधर भी 4 एम्पियर जाएगा, यानी इसके क्रॉस भी 4 होगा, यानी यहाँ पे टोटल IS का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, समझ गए। चूँकि I का वैल्यू 4 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये 4 एम्पियर किसके कारण यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इस करंट सोर्स के कारण दिख रहा है, और यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो चूँकि रेसिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इक्वल डिवाइड होगा, तो अगर इधर 4 एम्पियर है तो इस साइड भी हमारा क्या होगा 4 एम्पियर होगा, यानी 4 मिलकर कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, यानी IS का जो वैल्यू आया हमारा कितना आया 8 एम्पियर है, IS का वैल्यू कितना आया 8 एम्पियर है। चलिए अब सेकंड कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इस बार जो VS का वैल्यू है वो 0 नहीं है, इस बार 16 वोल्ट है, कितना है 16 वोल्ट है, हम लोग IS का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिए 8 एम्पियर फाइंड कर लिए। अब I का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस पे नोडल एनालिसिस यानी किसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर, मान लेते हैं का वोल्टेज V, मान लें
input current 8, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू वी बाई आई प्लस वी माइनस 16 बाई कितना होगा 2, ठीक ना। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से जो वी बाई यहाँ पे आर 2 होगा, सॉरी यहाँ पे आई ना होगा, क्या होगा हम लोग, अब वी बाई 2 होगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर ले हम लोग, देखिए हम लोग को क्या मिला है, 8 है इधर, इधर के हम लोग का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो भी अभी माइनस 16 यही ना होगा, ठीक ना। अब देखिए भी से भी क्या होगा, 2 भी ये दे दिया जाएगा, 16 हो जाएगा हम लोग का, तो 2 भी माइनस 16 यानी भी इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 भी इक्वल टू 32, तो भी इक्वल टू 16 आ गया हम लोग का, ठीक ना। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है यहाँ का वोल्टेज भी हो गया 16, तो करेंट हो जाएगा वी बाई आई या वी बाई आर यानी 16 बाई कितना, आर का वैल्यू हमारा 2 यानी 8 एम्पियर, ठीक ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग का, 8 एम्पियर। आई होप आप लोग समझ गए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल हम लोग क्या किए, सिंपल सबसे पहले तो वी एस का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया, तो उसके हेल्प से आई एस का वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक ना। वी एस 0 का मतलब कि वो शॉर्ट सर्किट होगा, तो वहाँ से आई एस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक ना, क्योंकि रेसिस्टेंस इक्वल था तो हमारा करंट भी इक्वल डिवाइड होगा, तो 4 टोटल 8 एम्पियर हो गया। अब 8 एम्पियर हम लोग आई एस का वैल्यू फाइंड कर लिए, इस नोड का वोल्टेज भी मान लिए, यहाँ पे नोडल एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे लगाए, के सी एल के हेल्प से हम लोग क्या किए, यहाँ से वी का वैल्यू फाइंड कर लिए, अब वी का वैल्यू फाइंड हो गया तो हम लोग का आई का वैल्यू फाइंड हो जाए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कंसीडर द फ्लोइंग सर्किट, दिस इन दिस एबव सर्किट व्हेन वी एस इक्वल टू 3, वी एस इक्वल टू 3 वोल्ट, आई इक्वल टू 4 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई व्हेन वी एस इक्वल टू 12 वोल्ट। उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का, ठीक ना। देखिए सबसे पहले वी एस दिया हुआ 3 वोल्ट हम लोग का, वी एस दिया हुआ हम लोग का 3 वोल्ट, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आई निकाल लेते हैं यहाँ से, और आई एस दिया हुआ है हम लोग का बी एस इक्वल 3 वोल्ट, आई इक्वल टू 4 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, और आई इक्वल टू दिया हुआ है 4 एम्पियर, ठीक ना। तो हम लोग आई एस निकाल लेते हैं सबसे पहले कंडीशन को पूरा करने के लिए। तो आई एस कैसे निकालेंगे, देखिए जो वोल्टेज है हम लोग का यहाँ पे, ये हम लोग को आई एस फाइंड करना है, ठीक ना। तो आई एस फाइंड करने के लिए इधर 4 जा रहा है हम लोग का, ठीक ना, और चलिए के सी एल भी लगा देते हैं हम लोग आई एस फाइंड करने के लिए, क्या करते हैं यहाँ पे के सी एल नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। देखिए चलिए देखिए क्या करेंगे, इस सर्किट का रेसिस्टेंस हम लोग को मालूम है, ठीक ना, और करंट मालूम है, तो हम उसके वोल्टेज भी निकाल लेते हैं, निकाल ले। तो यहाँ से अगर वोल्टेज भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4, चलिए ठीक है हम लोग का 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, हो जाएगा। क्या किया हम लोग, देखिए इस सर्किट का करंट 4 एम्पियर दिया हुआ है, और इस सर्किट का रेसिस्टेंस मालूम है, तो 12 वोल्ट का वोल्टेज निकल जाएगा, यानी इस नोड का वोल्टेज कितना मिल गया हम लोग का, 12 मिल गया, मिला।
यानी अगर इस सर्किट का करंट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कैसे, 12 माइनस 3/3 यानी हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक ना। यानी यहाँ से जो करंट मिल जाएगा हम लोग कितना मिल जाएगा, 3 एम्पियर मिल गया। समझ गया आप लोग क्या किए, इसका वोल्टेज निकाल तो 12 आया, 12 इस पूरे सर्किट आ गया यहाँ का, तो इस नोड का वोल्टेज 12 है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस सर्किट का करंट निकालना चाहे हम लोग, ठीक ना, तो 12 माइनस 3 बाई रेसिस्टेंस 3 है तो 3 गई तो 3 ओम आ गया। अब क्या हो गया हम लोग का, दोनों सर्किट का करंट मिल गया हम लोग का, तो यहाँ से 3 एम्पियर इधर जा रहा है, 4 एम्पियर इधर जा रहा है, तो आई एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 7 एम्पियर, ठीक ना। चलिए 7 एम्पियर हम लोग का आई एस का वैल्यू मिल गया। अब हो रहा है कि वी एस इक्वल टू 12 लेना है, कितना लेना है वी एस का वैल्यू हम लोग का, 12 वोल्ट, ठीक ना। तो हम लोग को आई एस निकालना है, हम लोग को क्या आई निकालना है। अब इस नोड पे केसीएल लगाते हैं तो इनपुट करंट कितना है, 7 इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितना है हम लोग का, इधर आई है, सॉरी यहाँ का भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इस नोड का वोल्टेज क्या मानते हैं हम लोग, भी मानते हैं, ठीक ना। तो भी वाई क्या हो जाएगा हम लोग का, 3+ ये हो जाएगा भी माइनस 12/3, ठीक ना। तो इस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई कर दिए, तो यहाँ से जो भी का वैल्यू आएगा कितना आएगा हम लोग का, भी का वैल्यू, तो भी का वैल्यू जो आएगा 33/2 आएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो V का वैल्यू क्या आएगा, 33/2 आ गया। अब देखिए इस सर्किट का करंट निकालना है, ठीक ना। इस सर्किट का हम लोग को क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो इस सर्किट का अगर करंट हम लोग को फाइंड करना है तो उसका वोल्टेज हम लोग को मालूम चल गया कितना, तो 33/2 और रेसिस्टेंस कितना है हम लोग का, 3, ठीक ना। तो V/R कर देंगे तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो 33/ क्या मिल जाएगा हम लोग का, 6 हो जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा हम लोग को, 33/6 मिलेगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 5.5, ये मिलेगा 5.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए, सिंपल पहले सबसे पहले आई एस दिया हुआ था हम लोग का, हाँ वी एस दिया हुआ है, तो आई एस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया। तो आई एस का वैल्यू कैसे फाइंड किया हम लोग, तो इस सर्किट का हम लोग क्या किए, करंट फाइंड कर लिए कैसे, तो यहाँ का वोल्टेज 12 आया, क्यों कि यहाँ का करंट 12 फोल दिया, तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 माइनस 3/3 की तो 3 मिला हम लोगों, तो आई एस का वैल्यू 7 हो गया। अब 7 हो गया, यहाँ का वैल्यू 12 दिया हुआ है। अब इस नोड पे केसीएल अप्लाई किए नोडल एनालिसिस हम लोग, तो आ गया हम लोग का 5.5। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए मान लेते हैं इसमें करंट हम लोग का फ्लो हो रहा है I1, ठीक ना। इसमें करंट मान लेते हैं हम लोग I2 मान लिए। देखिए तो यहाँ पे अगर नोड पे KCL अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट में करंट कितना मिल जाएगा, तो इस सर्किट में करंट कितना मिल जाएगा, इधर 2 एम्पियर इधर जा रहा है हम लोग का और 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जो करंट मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को 2 माइनस I1, क्या मिल जाएगा, 2 माइनस I1। इस नोड पे KCL अप्लाई कीजिए, इधर से इनपुट आ रहा है I1 एम्पियर जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से इनपुट जो करंट आएगा तो यहाँ से मान वो आ जाएगा 2 माइनस I1, ठीक ना। तो 2 माइनस I1 यहाँ का करंट मिल गया हम लोग का, यहाँ का करंट इस सर्किट का निकाल लेते हैं हम लोग, तो इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से जा रहा है I2 एम्पियर, तो 2+I2 एम्पियर क्या हो जाएगा यहाँ का करंट हो गया। करंट सबका मालूम हो गया। अब यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं दोनों लूप में, ठीक ना।
तो जब इस लूप में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -10 +2y1 ठीक है ना, -8 2 -i1 =0। तो यहाँ से जो i1 का वैल्यू मिलेगा कैलकुलेट कीजिएगा, तो i1 का वैल्यू मिलेगा 2.6 मिल गया। अब इसमें हम लोग KVL अप्लाई करेंगे ठीक ना, सेकंड वाला मेस में i2 थोड़ा सा फिगर मैनेज कर लीजिएगा यहाँ पे ठीक ना। तो हम लोग करंट मालूम है आप लोग को, सब KVL लगाना अप्लाई करने तो आता ही होगा। तो KVL जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ मिलेगा 4i2 ठीक ना, 4i2 इसके क्रॉस 4i2 प्लस मिल जाएगा हम लोग का 6 2 +i2 -10 =0 ठीक ना। तो i2 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा -1/5 ठीक ना। तो यहाँ से i1 और i2 का वैल्यू फाइंड हो गया हम लोग का ठीक ना। तो इसको मिटाया थोड़ा सा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग का i1 और i2 का वैल्यू फाइंड मालूम चल गया ठीक ना। तो यहाँ पे i1 का जो वैल्यू डायरेक्शन हम लोग इस डायरेक्शन में माने थे तो यह आया था 2.6, यह आया था हम लोग का i1 जो था 2.6 और इसका डायरेक्शन इधर माने थे यह आया था -1.5। अब ये बड़े वाला में क्या करते हैं हम लोग, नोट वोल्टेज निकालना है कि इसके क्रॉस P एंड Q, तो P और Q के क्रॉस जो वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं Vx मान लेते हैं ठीक ना, क्या मान लेते हैं हम लोग Vx मान लेते हैं ठीक ना। तो Vx वोल्टेज मानेंगे यहाँ पे हम लोग ठीक ना। तो KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये मिलेगा Vx +4 × 1/5 +2 × 2.6 =0। तो यहाँ से Vx का वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -6 वोल्ट ठीक ना, क्या आ जाएगा -6 वोल्ट। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 6C ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ठीक ना। हम लोग सबसे पहले i1 i2 माने, फिर इस सर्किट का करंट उसके रिस्पेक्टिव से निकाल लिए इसका और उसके बाद KVL अप्लाई किए दोनों लूप में, तो i1 i2 का मान मिल गया और तीसरे लूप में KVL अप्लाई करके हम लोग का Vx का मान मिल गया ठीक ना। तो आई होप आप लोग को समझ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।